गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं? अच्छे हैं, उम्मीद है सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज एक चलिए देखते हैं एक नया ब्लॉग में। तो हम आया है हमारे गांव में एक हमारा हनुमान जी का मंदिर, वो मंदिर में आपको दिखाऊंगे कि किस तरफ मंदिर और वो नज़ारा। तो आप चलिए देखते हैं दोस्तों। ये देख हमारा गांव का ये गेट है, मेन रोड है, तो हम जा रहे हैं ऊपर। तो आप देखिए हमारा हनुमान मंदिर हमारे गांव में किस तरह है। तो देखिए हरे भरे हैं सब, मौसम भी थोड़ा आज मस्त है। तो इस मौसम के नज़ारा में हम चलते हैं हमारा गांव का हनुमान जी मंदिर। चलिए देखते हैं हम ऊपर पहाड़ से माध्यम से ऊपर चढ़कर जाऊंगे। तो आप ये देखिए ऊपर ही देख रही है कि हनुमान जी बैठा रही है, बैठा है। और हमें तो देखिए क्या है आगे। आने वाला है तो आप दोस्तों फाइनल में ऊपर आ चुके हो ऊपर टॉप पे। तो आप आगे दिखाऊंगे किस तरह पे हनुमान जी का मंदिर और ये कब। हम तो रोज आते भी है, आप आज आपको दिखाने के लिए मैं आया हूँ। तो देखते रहिए आगे क्या होने वाला है। आगे भी बहुत बढ़िया अच्छा नज़ारा है, तो वो नज़ारा को आपको दिखाऊंगी हमारे गांव से ऊपर से नीचे हमारे गांव किस तरफ नज़ारा दिखती है तो आपको दिखाऊंगी इस तरफ। किस तरह पे है नज़ारा हमारे गांव के और ऊपर से नीचे किस तरफ देख और व्यू दिखती है तो आपको दिखाऊंगे। तो आगे क्या क्या है चलिए देखते हैं। तो यहाँ से आसपास मैं दिखाऊंगी आपको किस तरह पे है। ये देखते हैं, ये है उसका आसपास है, बहुत बढ़िया नज़ारा भी है और
शांति जगह भी है, हम कभी रिलैक्स करने के लिए इधर आती है और बहुत अच्छा लगता है ये जगह को। ये बहुत मेडिटेशन प्लेस है। तो देखती है दोस्तों, ये देखिए, ये भी नज़ारा है, वो साइड का नज़ारा किस तरह पे है, ऊपर से नीचे किस तरह पे देखते हैं, बहुत ही मज़ा आता है मेरे को। तो आप बताइए कमेंट्स माध्यम से, यहाँ कब आया कि नहीं, दिखाऊंगी इसका आसपास क्या क्या नज़ारा है और क्या क्या है चीज़। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है। ये देखिए, ये पत्थर इस तरफ, ये मकर संक्रांति में इतना ज़्यादा भीड़, ज़्यादा भीड़ होती है कि ज़्यादा लोग आते हैं ये गाँव के आसपास और सब आती है, ज़्यादा भीड़ होती है, लोग ज़्यादा आती है। मकर संक्रांति और हनुमान जयंती दोनों पर्व में ज़्यादा लोग यहाँ से आती है। ये नाम हनुमान जी पूजा होती है, मैं भी आती हूँ यहाँ मकर संक्रांति और हनुमान जयंती और इस कभी कभी इस पर्व होती है तो हम इधर आती है और पूजा करती है। बहुत ही मज़ा आता है हमको। ये हनुमान जी का पर्वत है भी बोलते हैं हमको हमारे गांव में। तो चलते आगे, देखते हैं और क्या क्या नज़ारा। तो दोस्तों, ये आसपास वो साइड में मंदिर का पीछे हम उस तरफ जा रही है, तो उसका नज़ारा किस तरफ है, आप कभी यहाँ से आएगा तो आप भी देख पाओगे। ये हमारा लोहागुड़ी मेन रोड के पास में है, पड़ते हैं, और बहुत लोग भी आती है यहाँ से हनुमान जी को दर्शन कर लिए। तो चलिए आगे और देखते हैं क्या क्या। ये हमारा जंगल, मतलब मंदिर का पास ही है। ये पत्थर, पेड़ पौधा बहुत ही अच्छी लगती है। देखिए दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मस्त भी लगती है ये जगह को आने के लिए। हम तो कभी कभी आती है और यहाँ से घूम कर जाती है, कभी तो टेस्ट लगती है तो यहाँ से मेडिटेशन करने के लिए भी आती है। बहुत ही मज़ा आता है इस जगह को घूमने के लिए। तो आप भी कभी आइए और घूम के जाइए ये जगह को। ये सब पत्थर है और देखिए इस तरह से। किस तरह है नज़ारा देखिए दोस्तों, इसका पीछे है जस्ट। अब देखती है किस तरह है नज़ारा। ये बरगद का पेड़ है। मेरे पीछे किस तरह पे नज़ारा, तो इस नज़ारा को आपको देखते होगे। ये सब वो बरगद का पेड़ है पीछे, तो बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को। मम्मी इधर से आती है, घूमती है और जाती है। तो आगे हमको और भी एक बढ़िया सा नज़ारा उस साइड में, तो आपको वहाँ से भी दिखाऊंगी किस तरह की है दोस्तों, किस तरह नज़ारा है मेरे पीछे। अभी थोड़ा मौसम है इसलिए इतना क्लियर से देखा नहीं देता है। तो बहुत ही अच्छा उस साइड में एक गांव में जो मेन रोड पड़ता है, मैं बोला था आपको, जो लोहागुड़ी, तो इस साइड में, तो ये पूर्व दिख का है। तो हम अभी मैं आपको दिखाऊंगी पश्चिम दिख किस तरफ है नज़ारा। तो चलिए, तो दोस्तों इसका अंदर भी एक गुफा है, मज़ा और अच्छा घूमता है। तो ये बहुत बड़ा बड़ा पत्थर भी है, आप किस तरह
आपको दिखाऊंगी। तो चलिए यार आगे हम किस तरफ देखिए दोस्तों, अच्छे देखते हैं किस तरफ नज़ारा है। ये बहुत ही अच्छा नज़ारा है, ये कभी मैं इधर से आता हूँ। ज़्यादा ही है, पेड़ पौधा भी है हमारा। ओह माय गॉड, तो देखिए बहुत ही मज़ा प्लेस है इस तरफ है दोस्तों, किस तरफ है ये देखिए। इस प्लेस को कब घूमने के लिए आओ मेरे आसपास दोस्तों, आप भी जान सके यहाँ किस तरफ सीन है। तो जरूर आओगे कमेंट्स माध्यम से मैं भी बताओ कब कौन इधर आया है। और चलिए और आगे भी देखते हैं, और एक साइड में तो इस साइड में तो दोस्तों देखिए इस मंदिर का आसपास किस तरह है नज़ारा, तो खुद भी आप इमेजिन करते हुए तो किस तरह पे है नज़ारा को हमें कैमरा में घुमा रही है ये पीछे। तो देखिए दोस्तों बहुत ही मज़ा आता है हमको, आपको किस तरह लगता है, आप क्या लगते हैं कमेंट्स माध्यम से बताइए। और तो अभी मैं रिटर्न होगी तो और नीचे क्या है आपको दिखाऊंगी। चलिए मेरे पीछे किस तरह पे है तो आप आगे भी देखती होगी, तो मेरे पीछे भी किस तरह पे हम जाने वाला है तो आप बनते रहिए। और देखिए ये हमारा गांव के पास मतलब रोड के पास भी है ये मंदिर, अभी भी घूमने के लिए आओ और इसका मजा लो। और आसपास मेरा दोस्त भी है, तो चलिए आज के लिए तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही है। तो अगले वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हमको प्यार दीजिए और सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ज़रूर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों ऐसे ही आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो और मज़ेदार वीडियो आपको आपके लिए मैं लाऊंगी, तो मेरे को सपोर्ट चाहिए तो सपोर्ट कीजिए और कमेंट्स माध्यम से बताइए किस तरफ लगा आज का वीडियो। तो तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।